Good morning, sixth class. I hope you all are fine. So today we will revise the poem "I Cannot Remember My Mother" as it's a part of the final exam. So it will come in your, uh, this poem will come in your exam. So you will have to revise this chapter. Okay. So as you know that this poem "I Cannot Remember My Mother" is written by Rabindranath uh, Tagore. Okay. So we will uh, revise the summary. As you know, we have already done the question answered and everything of this chapter. सो वी विल जस्ट रिवाइज़ द सम्रे ओके सो ये जो पोएम है आपकी आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है और इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है इस पोएम में उन्होंने अपनी इमोशनल एक्सप्रेशन शो किए हैं जब वो अपनी, अपनी, अपनी मदर की मेमरीज़ को याद कर रहे हैं ठीक है जो कि उनकी जो मदर हैं वो डेड यानी कि एक्सपायर हो चुकी हैं डेड हो चुकी हैं ठीक है ठीके? अब वो इस दुनिया में नहीं हैं ठीक है तो वो अपनी आ, मदर को याद करते हुए आ, अपने बचपन की कुछ यादें याद कर रहे हैं ठीक है तो ये जो पोएम है इट इज़ अबाउट द सेंसिटिव एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ अ चाइल्ड ठीक है एंड अटैचमेंट दैट ही हैज़ विद मदर यानी कि ये जो पोएम है ये बहुत ही सेंसिटिव और इंटेंस फीलिंग की है एक बच्चे की जो किस तरीके से वो अपने आ, उसकी जो यादें हैं वो मदर के साथ किस तरीके से जुड़ी हुई हैं और इस पोएम के अंदर जो बच्चा है वो अपनी सारी आ, चीज़ों को याद कर रहा है जो भी उसने अपने मदर के साथ की हैं ठीक है थेके? और जो रबीन्द्रनाथ टैगोर की जो मदर जो थीं वो बहुत ही पहले से ही दुनिया से छोड़ के चली गई थी जब रबीन्द्रनाथ टैगोर बहुत छोटे थे ठीक है तो जब वो छोटे थे तो उनको कितने भी जो जितनी भी उनकी साथ उनके यादें हैं वो याद कर रहे हैं ठीक है सो इन दिस पोएम ही एक्सप्रेस इज़ इन एबिलिटी टू बेसिकली रिकॉल द फेस और द फीचर्स ऑफ इज़ बिलव्ड मदर अब इस पोएम के अंदर वो शो कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने मदर का फेस और उनका प्यार दिया हुआ प्यार आ, किस तरीके से आ, इनेबल है यानी कि वो कोशिश तो कर रहे हैं याद करने की लेकिन वो पूरी तरीके से याद नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं ना जो उनके मदर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं वो याद कर रहे हैं जैसे फर्स्ट है फ्रेगरेंस ठीक है जो उनकी मदर की जो फ्रेगरेंस थी जो उनकी मदर उनके आसपास रहती थी तो उनकी मदर में से किस तरीके की कि खुशबू आती थी आ, वो उन्हें याद है वो धीरे धीरे उन्हें याद आ रही है कि किस तरीके से उनकी मदर की जो फ्रेगरेंस है वो उन्हें उनकी चीज़ों के साथ उनको मिल रही है जब वो अपनी खिलौने देखते हैं जो अपने खेलने वाली बचपन की सारी चीज़ें देखते हैं तब उन्हें दिखाई देता है मतलब वो सेम सॉन्ग उन्हें सुनाई देता है याद आने की कोशिश होती है उनको कि वो किस तरीके से जो उनकी मदर हैं अपनी गोद में लिटा कर उन्हें सुलाया करती थी तो वो सॉन्ग भी उनको थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है याद आ रहा है ठीक है ठीक है सो ये वाला आपका सेकेंड पैराग्राफ प्राग, में आपको ये बताया गया है ठीक है जब अपने टॉयज को वो टच कर रहे हैं तो उन्हें वो ट्यून भी याद आ रही है कि जो उनकी मदर उनके लिए गाना गाया करती थी ठीक है नाउ थर्ड पैराग्राफ में देखिए इन ऑटम इसमें क्या है इसमें ये बता रखा है कि जो शिवली जो फ्लावर्स हैं जो कि उनकी जो मदर हैं पूजा के लिए जो यूज़ करती थीं ठीक है उनकी माला बनाती थी और मंदिर पर देने जाती थी तो वो यादें भी उनको याद आ रही हैं वो जो फ्लावर की जो शिवली फ्लावर्स की जो खुशबू है वो उन्हें याद आ रही है अपनी मदर की मेमोरीज याद लाने में ठीक है तो यानी कि वो हेल्प कर रही है वो जो शिवली फ्लावर्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को अपनी मदर से जुड़ी हुई कुछ यादों को रिवाइंड करने में राइट नाव जब वो आकाश की तरफ देखते हैं जो आपके सेकेंड लास्ट जो लाइन है जब वो आकाश की तरफ देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है उस क्लियर स्काई में अपने मदर की धुंधली धुंधली क्या दिखाई दे रही है एक फेस एक झलक दिखाई दे रही है ठीक है देन लास्ट जो आपका पैराग्राफ है उसके अंदर आप देखिए इसके अंदर ये जो बताया गया है कि ये जो सिंपल लाइन्स जो पोएम की हैं ठीक है थीके? ये ये बता रही हैं कि किस तरीके से रबीन्द्रनाथ टैगोर की जो बॉन्डिंग है अपनी मदर के साथ वो बहुत ही डीप रूटेड है यानी कि बचपन में अपनी मदर को खोने के बावजूद भी उन्हें अभी भी जो उनकी मदर के साथ जो स्ट्रॉन्ग जो उनकी यादें हैं वो अभी भी उन्हें याद हैं और ये हमें दिखाता है ये हमें ये चीज़ शो करवाता है कि चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं चाहे आप कितने भी बूढ़े हो जाएं लेकिन आपकी जो बचपन की जो यादें होती हैं जो स्वीट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो वो आपके हमेशा जुड़े रहते हैं आपके साथ ठीक है तो आप उन्हें भुला नहीं सकते जिस तरीके से हमें भी कुछ ना कुछ यादें अपने बचपन की यादें हमेशा हमारे माइंड में रहती हैं कुछ ना कुछ Negative, जो हमारे बहुत ही स्वीट पल जो होते हैं हमारे ठीक है वो हम उन्हें नहीं भुला पाते हैं तो उसी तरीके से डॉक्टर जो रबीन्द्रनाथ टैगोर हैं उनके साथ भी उनकी मदर की जो वो जो स्वीट जो मेमरीज़ हैं वो अभी भी बनी हुई हैं ठीक है और जब भी वो उन चीज़ों की तरफ देखते हैं अपने बचपन की चीज़ों की और तो उन्हें अपनी मदर की याद आती है ठीक है सो दिस इज़ द पोएम आई होप यू ऑल गॉट इट सो द समरी आई हैव गिवन यू आई यू विल हैव टू राइट इन यूर नोटबुक एज़ वेल एज़ यू विल लर्न दिस समरी ओके okay. सो so, आज के लिए इतना ही सिक्स क्लास थैंक यू